नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं दीपक कुमार। झारखंड और बिहार के 5 जिलों में नक्सली बंद का व्यापक असर देखने को मिला। बंद के दौरान हिंसा की कई घटनाएं हुई, जिससे दहशत का माहौल बन गया। लंबी दूरी की बसें नहीं चली, रेल सेवाओं पर भी असर पड़ा। बंद के दौरान नक्सलियों के बंद को देखते हुए पुलिस भी चौकस रही। बिहार में नक्सली बंद का व्यापक असर देखने को मिला है। बंद के दौरान नक्सलियों ने जमकर हिंसा की और उत्पात मचाया, साथ ही कई जगहों पर पोस्टर चिपकाकर लोगों को धमकी भी दी। बंद के दौरान गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, गुमला, लातेहार, लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा आदि इलाकों में नक्सली बंद का व्यापक असर देखने को मिला। बंद के दौरान गिरिडीह में नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। बंद के दौरान रेलवे ट्रैक को उड़ाकर रेल सेवाओं को प्रभावित कर दिया, साथ ही सड़क निर्माण में लगे पोकलेन मशीन में आग लगा दी और सरकारी और गैर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। वहीं रामगढ़ में कोयला खदानों से ढुलाई का काम पूरी तरह प्रभावित हुआ। कोयला लदे ट्रक जहां तहां खड़े हैं। बसों के परिचालन बाधित होने से यात्रियों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि झारखंड में नक्सलियों ने 2 दिन की बंदी CNT SPT एक्ट को लेकर की है। हालांकि इस मामले को लेकर पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद है। चतरा और खूंटी के SP अपने अपने जिलों में जबरदस्त तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सुरक्षा बल को सतर्क रहने के लिए कहा गया है और साथ ही साथ कई क्षेत्र में जिला पुलिस और CRPF का संयुक्त अभियान भी निकाला गया, जिससे कि उनकी गतिविधि पर नियंत्रण रखा जा सके। बंद का आह्वान किया गया है। इस बंद के आह्वान को फिजल आउट करने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अपने पुलिस पदाधिकारियों, एडिशनल SP, SDPO, इंस्पेक्टर्स और ऑफिसर इंचार्ज के साथ गहन मंत्रणा हुई है और इसके लिए रणनीति बनी है। वहीं बिहार में भी 2 दिनों की बंदी नक्सलियों ने बुलाया है, जिसका आज आखिरी दिन है। 2 दिनों के दौरान यहां भी नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। जमुई में नक्सलियों ने टावर जला दिया, इससे पूरे इलाके में दहशत बन गया। बिहार के 5 जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। निश्चित तौर पर 2 दिनों की नक्सलियों की बंदी से झारखंड और बिहार में दहशत का माहौल है। नक्सलियों के उत्पात से सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति का नुकसान तो हुआ ही है, साथ ही जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। लोग नक्सली बंद से पिछले 24 घंटे से बेहाल है। स्पेशल डेस्क, न्यूज इंडिया। झारखंड में नक्सलियों और उग्रवादियों की बंदी में राज्य में व्यवसाय को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। इस वर्ष अब तक 18 बार बंद कराया गया, जिससे अब तक करीब 1 अरब 80 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। झारखंड में नक्सल बंदी का असर यूं तो पूरे जनमानस पर पड़ता है। रोजमर्रा की जिंदगी अस्त व्यस्त तो होती ही है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा नुकसान व्यवसाय पर पड़ता है। चाहे वो बड़ा व्यवसाय हो या फिर रोज कमाने खाने वाले लोगों का ही व्यवसाय क्यों ना हो। ऐसे में झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स का मानना है कि नक्सलियों के बंद पर रोक नहीं लगी तो नए उद्योगों का राज्य में पनपना मुश्किल होगा। बंद जो है व्यापार के लिए तो कभी भी अच्छा नहीं है। व्यापार हमेशा इसे बंद से प्रभावित हुआ है। सबसे ज्यादा जनजीवन अस्त व्यस्त होता है, जिसके कारण की व्यापार डिस्टर्ब होता है। दुकानें बंद रहती हैं, रास्तों में वाहन नहीं चलते हैं, मालों की आवाजाही बंद हो जाती है, तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड व्यापार ही रहता है। बंद तो कभी भी अच्छा नहीं है। और झारखंड चूंकि काफ़ी वर्षों से झेल रहा है, पहले झारखंड राज्य बनता था, उस समय झारखंड आंदोलन होता था, उसके बाद अब माओवादियों का बंद है, अभी इस SC ST वगैरह को लेकर जो लैंड के कारण जो अभी बंदी कर रही है अगेंस्ट की जो पार्टियाँ हैं, विरोधी पार्टियाँ, तो ये झारखंड के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इनको सरकार को इसमें कुछ कदम उठा के बंद रोकना चाहिए। वहीं राज्य के सत्ताधारी दल BJP की माने तो बंद किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, जिसके लिए सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर समय मानना है कि किसी भी तरह का बंदी जो है वो उससे लोगों से को बचना चाहिए, और चूंकि अब लोगों के अंदर अगर कोई भय पैदा हो गया हो तो भारतीय जनता पार्टी हर समय उसके लिए तैयार है। उसकी भय को दूर करने के लिए प्रशासन मुस्तैद रहती है। आज आप देखेंगे कि बंदी जो भी रहा हो, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है राज्य में, रघुवर जी की सरकार आई है, उस बंदी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पुलिस प्रशासन आवश्यक कदम उठाती रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि बंदी चूंकि अंदर से मन में लोगों को भयभीत करता है, यह अलग विषय है, लेकिन प्रशासन की तरफ से उसको भरपूर मदद मिला है
और इस बंदी को नाकाम करने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहती है। नक्सलियों की बंदी सीएनटी एसपीटी एक्ट के विरोध में है और सीएनटी एसपीटी एक्ट का विरोध कर रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की माने तो सरकार ने समस्या पैदा की है। ऐसे में अस्तित्व के सवाल पर नक्सलियों की बंदी लाजमी है। समस्या तो सरकार पैदा कर रही है। अब सरकार जिस तरह से सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन सरकार के द्वारा किया गया उसका हर स्तर पर विरोध हुआ, लेकिन सरकार इससे पीछे हटने के बजाय सरकार के मुखिया कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए, तो ये स्थिति है। झारखंड पुलिस महकमा नक्सल बंद के दौरान मुस्तैद जरूर है, लेकिन अब तक बंद को लेकर लोगों के जहन से भय नहीं निकला है। पुलिस का मानना है कि नक्सली अपने अंत को देखते हुए बंद बुलाते हैं। आसाम का जब एजिटेशन चलता था तो एक एक सप्ताह के लिए बंद होता था। राजस्थान में एजिटेशन हुआ तो दो दो महीने के लिए रेल पटरी बाधित रहा। ऐसा थोड़े कि जीवन लोगों का रुक जाता है, व्यवसाय रुक जाता है। ये ऐसे ही इनका बीच बीच में जब ये बिल्कुल जब ये अंत के समय अंत निकट आ रहा है तो घबरा करके एक आध बंदे लोग कॉल देते हैं, इसका कोई विशेष असर किसी चीज पर नहीं पड़ेगा। बहरहाल नक्सल बंद का भयावह परिणाम लगातार दिख रहा है, लेकिन बंद में पुख्ता सुरक्षा इंतजाम के बावजूद बंद पर लगाम नहीं लग पाना वर्तमान में राज्य की सबसे बड़ी समस्या के रूप में सामने उभर कर आई है। रांची से कमल कुमार की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो बंद का कई जगहों पर व्यापक असर दिखा, कई जगहों पर कुछ कम असर दिखा। बोकारो संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए। मृत्युंजय, नक्सलियों के इस बंद का कैसा असर दिखा इलाके में? देखिए दीपक जी, जो नक्सली बंदी है उसका असर बोकारो में कुछ खास नजर आ रहा है, क्योंकि नक्सल क्षेत्र जो बेरमो अनुमंडल का क्षेत्र, वो झुमरा पहाड़ हो चाहे वो लुगू पहाड़ हो, उसके एरिया में नक्सल का काफी इफेक्ट देखा जा रहा है बंदी का। और जो सामान्य दिनों की तरह जो पैसेंजर गाड़ियां चलती हैं वो भी कम नजर आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नक्सल बंदी के बाद भी पुलिस इतनी तैयारी के दावा करती है। और बोकारो में एक जगह चुट्टे गांव है जो चतरोचक्ती थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहां इसलिए दो गाड़ियों को जला दिया गया क्योंकि उन्होंने पुलिस को मदद की थी नक्सली अभियान में। तो कहीं ना कहीं ये जरूर जान पड़ता है कि पुलिस दावा तो जरूर कर रही है नक्सलियों के बंद को निपटने के लिए, लेकिन बोकारो में जिस प्रकार से लगातार नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया है सीएनटी एसपीटी एक्ट के खिलाफ जो बंदी के है, उससे पहले तैयारी को लेकर वो जिस प्रकार घटना को अंजाम दिए वो पुलिस के लिए जोरदार समाचार है। और पुलिस इस बात से उबर नहीं पाई कि आखिर नक्सली घटना को कैसे रोके। जी जी मृत्युंजय, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। तो बोकारो में तमाम चौकसी के बावजूद नक्सली दहशत फैलाने में कामयाब रहे, जैसा हमारे संवाददाता ने बताया, कुछ जगहों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। गिरिडीह संवाददाता अभिषेक सहाय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। अभिषेक, गिरिडीह में नक्सलियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में कामयाबी हासिल की? जी तैयारी धरी की धरी रह गई। नक्सलियों ने बंद की जो मियाद थी इसके शुरुआत होते ही अपने जोरदार धमक का यहाँ एहसास कराया। ये यहाँ का ग्रैंड कोर्ट लाइन जो है रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया, चिचाची के पास में ब्लास्ट कर उड़ाया, जिससे पूरा यातायात करीब करीब 10 घंटे तक प्रभावित रहा। कई महत्वपूर्ण गाड़ियां राजधानी सियालदा समेत कई गाड़ियां 10 घंटे अलग अलग स्टेशनों पर खड़ी रही। इसके अलावा बताएं दीपक कि यहाँ बिरनी में सड़क निर्माण कंपनी है, उसका पोकलेन मशीन और जनरेटर में आग लगा दिया गया। वहीं एक बोलेरो वाहन डुमरी मुख्य मार्ग पर बोलेरो वाहन को फूंक दिया गया। तो इस तरह देखा जाए गिरिडीह में व्यापक असर कह सकते हैं नक्सली बंदी का। पुलिस देखती रह गई और नक्सली अपने कारनामे कर निकल गए यहाँ से। जी जी अभिषेक, लोगों के बीच से किस तरह का मैसेज आता दिख रहा है? क्या लोग अभी भी नक्सलियों के बंद के आह्वान से दहशत ज्यादा होते हैं या पुलिस प्रशासन पर उनका विश्वास कायम हो रहा है? देखिए दीपक, गिरिडीह लंबे अरसे से लाल कहर से प्रभावित रहा है, लाल आतंक के जद में रहा है, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ का 80% इलाका जो है वो नक्सली प्रभाव में है और यहाँ कह सकते हैं कि नक्सलियों की यहाँ समानांतर सरकारें चलती है,
पीरटांड हो, गावा हो, डुमरी हो, भगोदर, तमाम खंड जो है नक्सलियों के प्रभाव वाले इलाके हैं और इन इलाकों में आज भी उनकी चलती है। जब भी बंदी होती है तो पूरा असर दिखता है। आज जनजीवन बिल्कुल ठहर सा गया, शहर को छोड़ दे, सिर्फ शहरी इलाके को अगर छोड़ दे तो बाकी का पूरा इलाका ठहरा हुआ है। लोग भय में है, डर में है, बाहर निकलने से डरते हैं और यातायात भी पूरी तरह से प्रभावित है। लंबी दूरी की तमाम गाड़ियों के पहिए जो है वो थमे रहे और छोटे वाहन, छोटी दूरी के जो गाड़ियां हैं वो छिटपुट रूप से चली। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि गिरिडीह में नक्सली बंदी का व्यापक असर देखने को मिला है। अभिषेक, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। हमारे संवाददाता कमल कुमार रांची से फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। कमल, नक्सलियों ने बंद का आह्वान किया था, तैयारियां मुकम्मल थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कई जगहों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। बिल्कुल दीपक, जिस तरह से 29 तारीख की रात्रि, 28 की रात्रि से ही बंद का आह्वान था और आज 12 बजे रात तक बंदी है, उसको लेकर के कल ही रात में 3-4 घटनाओं को अंजाम दिया है नक्सलियों ने और उन्होंने फिर से एक बार जाहिर कर दिया है कि उनकी मौजूदगी अभी भी बरकरार है और पुलिस के जो मुस्तैदी थी उसको कहा जा सकता है चैलेंज दिया गया है। लेकिन वहीं झारखंड पुलिस की माने तो कई ऐसे जगह होते हैं जहां जहां तक हमेशा पुलिस नहीं रह पाती है, जिसकी वजह से हुआ है और बौखलाहट में नक्सलियों द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन असर जो कहा जाए, अगर तमाम जिलों की बात करें, सभी जगहों की बात करें, तो लगभग इस बंदी का खासा असर देखने को मिला, खास करके व्यवसाय पर और जो परिवहन है उसको लेकर के उसमें सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। करोड़ों अरबों का नुकसान अभी तक हो चुका है। जनवरी से, अगर इस साल के जनवरी से अभी तक की बात करें तो कई बंदियां हुई हैं और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान रोजमर्रा की जिंदगी में जो रोज कमाते खाते हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। वहीं अगर व्यवसाय की बात करें तो जो बड़े व्यवसायी हैं उनका भी खासा नुकसान हुआ है, परिवहन व्यवस्था ठप होने की वजह से। कहीं ना कहीं देखा जाए तो नक्सल बंद का एक बार फिर से असर देखने को मिला है, जबकि कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया, कईयों के खिलाफ अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो आम लोगों के जहन में भय बना हुआ है नक्सल बंदी को लेकर के, उसका अभी तक असर, जो नक्सली बंदी के भय का असर नहीं निकला है। झारखंड पुलिस दावे भी कर रही है कि वो पुख्ता इंतजाम किए हुए, लेकिन फिर भी असर देखा गया आज की बंदी को लेकर। जी कमल, पुलिस प्रमुख से जब बातचीत हुई तो उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल पुलिस के बस की बात नहीं है, आम लोगों को भी इस लड़ाई में उनका साथ देना होगा, तभी वो इस गंभीर समस्या से मुक्त होंगे। तो ऐसे में जो ये तमाम अभियान चल रहे हैं, क्या उसमें आम लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा है और अभी भी लोगों के मन में नक्सलियों को लेकर जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें सहानुभूति देखी जा सकती है? देखिए, कहीं ना कहीं सभी को आगे आने की जरूरत है, ये जाहिर सी बात है। जिस तरह से कई ऐसे इलाके होते हैं जहां पर हर कदम पर पुलिस नहीं मौजूद हो सकती है, ऐसे इलाकों में आम लोग जो होते हैं या ग्रामीण होते हैं वही किसी भी सूचना को पुलिस तक पहुंचा सकते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो अगर नक्सलियों के किसी भी बंद को विफल करना है या फिर उनके घटनाओं को विफल करना है, उनके द्वारा दिए गए घटनाओं को, उसमें आम लोगों का सहयोग सबसे ज्यादा जरूरी है। और सहयोग जो अभी के हालात है वर्तमान समय में, जिस तरह से सरेंडर हो रहे हैं और अभियान चलाया जा रहा है, उसका असर भी देखा जा रहा है। उस लगातार जो है मुख्य धारा से जुड़ भी रहे हैं नक्सली और उनके परिजन ये भी लगातार बयान कर रहे हैं, लोगों को बोल भी रहे हैं कि अपने जो लोग हैं, लेकिन लोगों के बीच अभी भरोसा कायम नहीं हो पा रहा है पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था का और नक्सलियों का खौफ भी खत्म नहीं हो रहा है। धन्यवाद कमल इन तमाम जानकारियों के लिए। रंजीत हमारे संवाददाता लखीसराय से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी रंजीत, बंद का किस तरह का असर देखने को मिला इलाके में? जी मैं बता दूं, ये लखीसराय जिला के नक्सल प्रभावित 3 थाना आता है, जिसमें कि कजरा थाना है, पीढ़ी बाजार थाना और जानन थाना। ये बिल्कुल जंगली और पहाड़ी इलाका से आच्छादित है। मैं बता दूं कि यहाँ जैसे ही नक्सलियों ने पूर्व बिहार बंदी का ऐलान किया, नक्सलियों के जो प्रवक्ता है लालजीत कोड़ा ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जिस तरह ने ऐलान किया, उसी आधार पर लखीसराय के एसपी अशोक कुमार द्वारा एवं एएसपी अभियान पवन उपाध्याय द्वारा कजरा के एवं पीढ़ी बाजार के जंगलों में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जाए ताकि नक्सलियों की धरपकड़ की जाए। रही बात असर का, तो असर पूर्णतः भी देखा जा रहा है इन इलाकों में। इन इलाकों में खास करके जो बैंक है, तमाम बैंकों को बंद कर दिया गया है और जगह जगह
पुलिस की तैनाती देखी जा रही है। दीपक जी, रंजीत, जब सरकारी प्रतिष्ठान भी बंद हो जा रहे हैं तो फिर किस तरह की सुरक्षा? बिल्कुल, ये आपका कहना दीपक बिल्कुल सही है। जिला प्रशासन का सख्त निर्देश है, क्योंकि वहाँ के जो स्टेट बैंक है, पहले भी नक्सलियों के द्वारा स्टेट बैंक पर धावा बोला गया था, और स्टेट बैंक के साथ साथ जो भी रेलवे इलाका है, जैसे कुंदल रेलवे स्टेशन, मननपुर रेलवे स्टेशन, कजरा रेलवे स्टेशन, इन तमाम इलाकों पर नक्सलियों का बिल्कुल वर्चस्व रहा है। पिछले कई दिनों नक्सलियों ने इन तमाम स्थानों पर कई घटना का अंजाम दिया है, तो इन तमाम जगहों पर भी सीआरपीएफ के जवान और तमाम बटालियन यहाँ पर पूरे रूप से लगा हुआ है। जी रंजीत, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। ब्रजमोहन भगत हमारे साथ जमुई संवाददाता फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। जी ब्रजमोहन, जमुई में नक्सलियों के बंदी का कैसा असर देखने को मिला? ये बात है कि जमुई एक काफी खासकर नक्सल प्रभावित इलाका में इसका शुमार होता है, और खासकर जो जमुई का सीमावर्ती इलाका है, चकाई, सोनो, झाझा, खैरा, ये जो इलाका है ये पूरी तरह नक्सलियों से में आता है। और इन इलाकों की देखकर बात की जाए तो इन इलाकों में जो सरकारी दफ्तर थे, खासकर ब्लॉक और अन्य कार्यालय, वो बंद रहा, यदि खुले भी रहा, वहाँ पे कुछ कार्यालय खुले भी रहे तो वहाँ पर सन्नाटा पसरा रहा। इस तरह देखा जाए तो वहाँ पे नक्सलियों खौफ देखने को मिला सीमावर्ती इलाकों में, लेकिन जहाँ मुख्य बाजार की बात की जाए, मुख्य बाजार सुचारू ढंग से अन्य दिनों की तरह चलता रहा, सारा दफ्तर खुला रहा, सारा बैंक खुला रहा, सारा कार्यालय खुले रहे। जी दीपक जी, धन्यवाद ब्रजमोहन इन तमाम जानकारियों के लिए। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप Twitter पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। Facebook पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।